कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में इसके मामलों में आए दिन उछाल आ रहा है। बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस बात की जानकारी खुद आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सभी को हेलो, मेरा कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने तुरंत खुद आइसोलेट किया और अब मैं घर पर क्वारंटीन रहूंगी। डॉक्टर्स के निर्देशों पर सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हूं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। आप सभी अपना ख्याल रखें। आलिया का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड में इस वक्त एक के बाद एक सेलेब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कई स्टार्स इसे मात देकर ठीक हो गए हैं। कुछ वक्त पहले एक्टर रणबीर कपूर भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें वह रणबीर का हाथ पकड़े नजर आ रही थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आलिया ने बताया कि वह रणबीर को काफी मिस कर रही हैं। हालांकि रणबीर तो कोरोना को मात देकर ठीक हो गए, लेकिन अब आलिया इसकी चपेट में आ गई हैं। अब तक बॉलीवुड से रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली, आमिर खान, आर माधवन, मिलिंद सोमन, तारा सुतारिया, मनोज वाजपेयी, कार्तिक आर्यन, सिद्धांत चतुर्वेदी, पप्पी लहरी और सतीश कौशिक जैसे सितारे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बात करें आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की, तो वह जल्द ही गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आएंगी। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था। इसके अलावा इन दिनों आलिया फिल्म RRR को लेकर भी काफी चर्चा में बनी हुई हैं।